हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से, जो गाइस आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करना रहता है, उसको आप कैसे सेटअप करेंगे, उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर हम जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि ऑफ है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे गाइस, हम सिंपल तरीके से हमारा जो पासवर्ड है उसको डाल के कन्फर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है ऐड योर फिंगरप्रिंट, तो गाइस आपको अपनी सिंपल तरीके से फिंगर टच करनी है, चाहे वो आपका साइड माउंटेड हो, इन डिस्प्ले हो, बैक में हो, आपके पास कोई भी फ़ोन हो, बट गाइस फिंगरप्रिंट सेटअप करने का तरीका यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेटअप कर लेते हैं इसको कम्प्लीटली। तो इस टाइप से गाइस, आप अपने फ़ोन को सिंपल तरीके से फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे कंप्लीट सेटअप कर लेता हूँ ताकि इजी तरीके से हमारा सेट हो जाए, सिंपल सिंपल से स्टेप्स से जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो गाइस, यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, आप इसका नाम बदल सकते हैं, मतलब कि आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो अपना नाम डाल दें, अपनी जीएफ का लगाएंगे अपनी जीएफ का लगा दें, और किसी का भी आपको लगाना है तो आप उसका नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ से इसको हम डन करते हैं। फिंगरप्रिंट वन ऐड है, आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ ओपन होगी इसके साथ, प्राइवेसी, पासवर्ड, ऐप लॉक, फिंगरप्रिंट, पेमेंट, ये सब चीज़ अपने हिसाब से आप इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल तो लॉक स्क्रीन यहाँ पे है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।